जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का अक्टूबर का महीना, कैसी रहेगी सेहत अक्टूबर के महीने में, कैसी रहेगी शिक्षा, कैसी रहेगी लव रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, नौकरी और व्यवसाय कैसा चलेगा, क्या मनपसंद नौकरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा और कौन सा है वो उपाय जो मुझे ज़रूर करना चाहिए अक्टूबर के महीने में, ये सभी प्रश्न वृश्चिक राशि वालों के मन में ज़रूर आते हैं और आज के वीडियो में मिलेगा इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। सबसे पहले हम जानेंगे वृश्चिक राशि की गोचर स्थिति किस प्रकार से है, क्योंकि गोचर के अनुसार ही हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं वृश्चिक राशि की गोचर स्थिति। वृश्चिक राशि के लग्न में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, पंचम में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, छठे घर में राहु गोचर कर रहे हैं, सप्तम में मंगल गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में सूर्य बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं, बारहवें घर में केतु गोचर कर रहे हैं। गोचर के अनुसार कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का महीना, तो शुरू करेंगे लग्न से, यानी कि आपका स्वास्थ्य आपकी सेहत कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ लग्नेश बनते हैं मंगल जो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य आपका कैरियर अच्छा रहेगा अक्टूबर के महीने में, किसी प्रकार की कोई समस्या कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। कैसी रहेगी शिक्षा आपकी अक्टूबर के महीने में, तो पंचम भाव से देखेंगे हम शिक्षा और यहाँ पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा पढ़ाई में, आगे क्या करना है क्या बनना है इस पर विचार करते हुए आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस करेंगे। जो लोग CA, CS, IAS, IPS की तैयारी कर रहे हैं या UPSC के एग्ज़ाम है उनके अक्टूबर के महीने में, तो बहुत अच्छा योग है उनका। शिक्षा को लेके अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में, तो पंचम भाव से ही देखेंगे लव रिलेशनशिप, पंचम के स्वामी पंचम में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपका लव रिलेशनशिप। एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अक्टूबर के महीने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। विवाह के लिए घर में कब बात करनी है कैसे करना है उसको लेके विवाह के लिए प्लानिंग भी करेंगे। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है अक्टूबर का महीना। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन अक्टूबर के महीने में, तो सप्तम के स्वामी शुक्र 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर करके चलेंगे, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे, परिवार को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए संभालेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और साथ ही आप बहुत समय से सोच रहे थे कि कोई व्यापार करने की, तो योग बहुत अच्छा बन रहा है अक्टूबर के महीने में, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। कैसा रहेगा नौकरी और व्यवसाय अक्टूबर के महीने में, तो यहाँ भाग्य के स्वामी लग्न में गोचर कर रहे हैं, कैरियर के स्वामी लाभ में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा योग बन रहा है। नौकरी के लिए परेशान थे, प्रयास करिए अक्टूबर के महीने में मनचाही नौकरी मिलेगी। प्रमोशन के लिए बहुत समय से परेशान थे, प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं, अक्टूबर में आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, आप अपने व्यापार में तरक्की करेंगे, साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में कोई दूसरे कार्य का भी शुरू करेंगे। कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे थे बहुत समय से, अक्टूबर में आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य होने के भी पूर्ण योग बन रहे हैं। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन से हैं वो उपाय जो आपको अक्टूबर के महीने में ज़रूर करने चाहिए, तो अक्टूबर के महीने में आपको गाय को रोटी पर भीगी हुई लाल मसूर की दाल रखकर ज़रूर खिलानी है।
उसके साथ ही 5 प्रकार की कोई भी दाल लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए। उसके अंदर आटा मिक्स करें और बूरा यानी कि पाउडर शुगर मिक्स करके काली चींटियों को डालना है। ये काली चींटियाँ आपको मंदिर, पीपल वृक्ष या बरगद के वृक्ष के आसपास मिल जाएंगी। रोज़ डालिए, आपका जीवन सदैव के लिए खुशहाल रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई अड़चन, कोई बाधा, कोई परेशानी आ रही है वो दूर होगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का अक्टूबर का महीना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं, डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।